लंबे भी बाल, मेरे भी एक लाइनर थे। अभी मैंने तो कटिंग करवाई थी जाना की, तो कटिंग हुई नहीं है। कटिंग जाना की कोई कटिंग नहीं हुई, काफ़ी देर भी हुई है मेरी तो। ये जो आप दो रुखे बाल वालों की एंड सपोर्ट जो है वो, उसको कह रही थी उसके बाल डैमेज हुए हैं ना थोड़े, मेरे भी हुए हैं। अच्छा, अब क्या मसाज करूँ या? अब सर मेरे यार ऑयलिंग कर दें आप पे, थैंक यू। थोड़ा 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 करके यूज़ कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों में इतना नहीं ना ऑयल यूज करना। हमें काफ़ी देर बाद हमने इस घर में वीडियो बनाई थी, इधर तो नहीं बनाई थी है ना पुरानी। मैं आपकी ऑयलिंग पसंद कर रहा हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और सूरज निकला हुआ रोशनी है, आप कह रहे थे पहले हवा चल रही है, मैंने भी देखा है। सुबह मैं जब उठा हूँ ना, हाँ जी, जाके मोटर चलाई है मैंने, अभी तो सुबह धूप निकल रही है फिर। चलो मैंने गाड़ी भी नहीं की है, धोई नहीं। तो आपके तो वो लड़के नहीं आना था धोने के लिए? यार इसी वजह से नहीं दी है ना वो, अभी मैं सोच रहा हूँ मैं दोबारा उसके पास चेक कर लूँ। तो उसका नंबर ले आना था ना, नंबर नहीं है, फोन नंबर नहीं है? नॉर्मली वही मुझे कॉल करता है, उसने सेव कर लेना था दूसरे मोबाइल में। मैं अभी सो के उठी हूँ, मुझे दोबारा नींद आ रही है। आजकल बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए हैं और मैं फ्री हो गई सब पढ़ो। आई वाज थिंकिंग के यार मैं ना वीक में एक बार आपको मेरी हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए और एक बार मुझे। चलो मैं तो जैसे तैसे ना करवाऊँ, आप करवाया करें, आपने वो काम करना होता है। अच्छा ये मेरा ख्याल है ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है शायद, इस के पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च या फाइंडिंग्स तो ऐसे कोई मेरे नज़र से नहीं गुजरी है कि भाई हेयर ऑयलिंग से जो है वो करने से इंसान जो है बड़ा स्मार्ट जीनियस या। चलें यार और ना सोचें, आप ये सोचें कि आपके बालों के लिए वो ऑयल जो है वो बालों की खुराक है, उसके लिए तो सोच सकते हैं। शैम्पू भी तो हम लोग करते हैं ना तकरीबन एक दिन छोड़ के या रोजाना। अभी शैम्पू जो है वो केमिकल वाले होते हैं और ये केमिकल फ्री हैं, हम लोग तो लाते भी। अच्छा वैसे कैसी कमाल बात है कि वो के शैम्पू जो हैं वो केमिकल से बने होते हैं, लेकिन अगर हम शैम्पू यूज़ ना करें तो हमारे बाल तो बहुत रफ हो जाते हैं। सही है, पुराने वक्तों में लोग क्या करते थे शैम्पू जब नहीं थे मुमकिन है उन लोगों के। अच्छा उनके उन लोगों के बाल जो हैं, एक गुजारी बात है जो हमारी बॉडी है हमारे जो जीन्स हैं वो एज़ पर इन्वायरमेंट अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, एक तो ये फैक्टर है। और फिर जाहिर बात है जो शैम्पू से शाइनिंग और जो खूबसूरती बालों की निकलती है मुमकिन है उन जब ये शैम्पू जो साबुन वगैरह सोप वगैरह नहीं थे उस वक्त ना इस तरह हों बाल, या लोग देसी तोड़ते यूज़ करते हैं उनमें जैसे बाल। मेरी नानों के बाल भी बड़े अभी तक भी हैं लंबे हैं, और मेरी नंदों के भी, वो कहते हैं कि हम लोग शोकर सोप यूज़ करते रहते थे। इंडिया में तो नहीं पता होगा लेकिन पाकिस्तानी लोगों को पता है कि शोकर सोप हम लोग कपड़ों को वॉश करने के लिए अभी भी गाँव वगैरह में यूज़ किया जाता, शहरों में तो कम यूज़ किया जाता, अब सिर्फ कपड़ों के लिए यूज़ किया जाता। तो वो कहती थी वो यूज़ करते थे और इतने प्यारे बाल होते थे, मुझे कहते थे इतने लंबे होते थे,
अब तो शोकर सोप भी ना, पहले पहले वाला शोकर सोप इतना गंदा सा स्मेल देता था, है ना यार, ब्लैक कलर का। अब तो मैंने देखा है शोकर सोप इतना, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है उसकी, येलो कलर में भी है और मेरे हेयर में अच्छा, रेड कलर भी। आप क्या चाहती हैं, मैं आपकी स्कैल्प को ऑयल करूं या के बालों को? मेरा आप ओवरऑल ही करते हैं, जैसे आपको करना आता ना बस मुझे कर। मुझे एक्चुअली सही नहीं करना। ये एक्चुअली मेरे बालों के साथ ना खेलते हैं बस। आपको लग रहा है मेरे बाल लंबे हुए हैं क्योंकि आपने आइलिंग की है, लग रहा है? मैं तो उसी को कंपेयर करूंगा ना अगले, मैं अगर मैंने आपके पुराने बालों का साइज माइंड में रखा होगा। इतने अच्छे थे मेरे तब। मुझे कटिंग करवाए भी अब काफी देर हो गई है। ऊपर वाला पोर्शन गिराना है ना, मैं रिजास में ऑन तो कर दूं लेकिन उसके नहीं, साथ शोर लोग बहुत ज्यादा आएगा। आपकी ऑडियंस में समझना शायद जनरेटर चल रहा है या एक्चुअली ट्रैक्टर चल रहा है? उसका उसकी साउंड कम है क्योंकि वो ग्रिल के साथ हमने प्लेस किया, तो ग्रिल में सही उसकी पकड़ नहीं बनी। ग्रिल में पकड़ सही बन जाए ना तो फिर शायद नहीं। आपने उसे ऐना से मालिश कराई थी, मसाज करवाया? हाँ बड़ा प्यारा करती है वो जी, तो, सही प्रोफेशनल तरीके से करती है। वो वाला जैसे मैं आपको ऐसे वाला करती हूँ वो जो, हाँ ये ऐसे नहीं, कभी ऐसे कर, ये माथे को ऐसे करके जैसे मैं करती हूँ। ये पार्लर भी जाए ना तो वो भी ये वाला मसाज करते हैं, जब स्किन का, हाँ हम लोग क्लिनजिंग करवाए या वो करवाए ना फेशियल वगैरह, मैं सब फेशियल काम नहीं करवाती लेकिन क्लिनजिंग में भी वो करती हूँ। इसे पता क्या आता है, ये आइलिंग यहाँ से यूज है अक्सर। आपने देखा जब हम बुढ़ापे की तरफ चले जाएँ तो हमारे वो बल पड़ने, लाइनें पड़नी शुरू हो जाती है, रिंकल्स। हाँ रिंकल्स, हाँ तो वो नहीं पड़ती। गले में भी अगर इसका मसाज आप रेगुलर बेस पे, चलो तो रेगुलर कहीं आपने नहीं, स्टडी किया या आपकी वैसे असेसमेंट? नहीं मैंने कहीं स्टडी भी किया और मुझे किसी ने बताया भी है, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने भी बताया कि इससे ये नहीं पड़ती क्योंकि वो स्किन जो है लिफ्ट होती है ना इससे, उस तरह स्किन ढीली, एक्सरसाइज। हाँ ढीली रहती है ना ऐसे। अगर इसको हम डेली बेस पे, या चले डेली बेस पे नहीं, आप हफ्ते में 2-3 बार इस तरह से इसका आइलिंग लगा कर दिया मैं मेरे। चाह रहा हूँ इधर भी रिंकल्स ना आए। अच्छा हाँ मुझे मजा आ रहा है। इधर जब आपने मुझे किया था उस वक्त मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ। मैं तो वो लेंस लगाती हूँ ना यार, लेंस उतारने के बाद ना थोड़ी आंखें, आपने भी शायद आपका एक्सपीरियंस थोड़ा है, आपने भी लगाया हुआ लेंस, लेंस उतारने के बाद ऐसे लगता है जैसे आपने कोई बोझ, हाँ ऐसे ही है ना, तो मैं उतारती हूँ ना उतारे मैंने। यार हमारी बॉडी एक्चुअली ना यूज्ड हो जाती है, अभी जो बंदा रूटीन में पहनने वाला है ना उसको इतना फील नहीं होता, जो कभी कभी पहनता है ना उसको ज़्यादा फील होता है। यानी मैं जब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, जब लेंस उतारते हैं ना हम लोग तो ऐसा जी, फील होता है कि जैसे यार अब कंफर्ट में। हाँ ऐसे ये ऐसे तो आपके साथ ही है, सबके साथ ऐसे,
ग्लासेस से इतना नहीं पड़ता, ग्लासेस से सिर्फ यहाँ पे ना वो उसके जो निशान है वो रह जाते हैं, और गर्मियों में बहुत ग्लासेस इरीटेट करती है, पसीना बढ़ाता है, स्पेशली काम करते हुए ना हवा के नीचे बहुत ज़्यादा आता है। मैंने इतना ऑयल लगाया आपके सर में, आपके बाल और सर चूस लिया सारा है। वो मैंने काफ़ी देर का लगाया हुआ है ना मेरे हम सर, कम करती हूँ ऑयल। बाजी करती हैं वो जो मेड है वो करती हैं, वो खुद भी मार रही हैं। अच्छा बाजी आएंगी ना तो फिर हाँ उनसे भी कराऊंगी, उनसे भी कराऊंगी। आपने कभी गौर किया हवा तीन दबाए ना सर तो और तरह से होता है, मर्द दबाए तो और तरह से होता है ना, ऐसे ही है ना, मर्द ज़रा हाथ भारी होते हैं। मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा प्रेस ना करूँ, ज़्यादा हमारे हाथ ज़रा होते हैं ना सॉफ्ट, हाँ छोटे भी होते हैं। ऐसे मेरी अम्मी भी करती हैं। उसका एक दो दिन सर ना देखो उसके सर में इतनी जुएं आ जाती हैं, मैं क्या करूँ उसका। और दिखाती भी नहीं कुछ मेडिसिन कुछ इस तरह की उसके, मैं शैम्पू वही यूज़ कर रही हूँ, एंटीलाइस, हाँ एंटीलाइस कर रही, उस पर कोई इफेक्ट, असल में वो मेरे ख्याल में सर जोड़ के ही करती है ना वो इस्तेमाल। अगर आप उसका रोज सर वॉश करें तो नहीं नहीं लंबे बाल हैं, बाल डैमेज हो जाते हैं शैम्पू करने से, और वैसे पानी से करूँ ना तो वो बाल अजीब से ना उसका वो देते हैं, बाल बालों को पता नहीं अजीब सा वो लगता है। अच्छा, वो जब किसी ह्यूमिड इन्वायरमेंट में या हॉट इन्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल आजकल गर्मी है यार, ऐसे से होना करें ये आजकल गर्मी है, हाँ जी क्या जमाना फिर ऑयल लगा लूँ ना लगाएं बस करते हैं नहीं तो ये मैंने अभी करना है ना ताकि फ्रिक्शन ना हो, तो मैं ये कह रहा था कि वो चूंकि जिसमें वो क्या मैं कह रहा था कि आजकल गर्मी है तो गर्मियों में कमरों में गर्मी होती है, हाँ जी, ये समटाइम ऐसे होता है कि बगैर फैन ऑन किए भी वो कमरे में मोबाइल लेके बैठ जाती है। यार मोस्टली ऐसा होता है उसने एसी लगाया होता है, स्कूल में भी एसी लगे, घर में भी वो एसी में ही बैठती है, बहुत वेयर ऐसे चांस, वो जब दिखाती नहीं है ना तो उन्होंने आगे अंडे दिए होते हैं तो वो और से और उनकी परवरिश जो है वो होती रहती है, और फिर आगे ट्रांसफ़र कर देती है हमने भी, आज मेरे साथ कल काफ़ी देर से वो मेरे सास हो रही है। रात को भी देख लें जल्दी सोए हैं ना, लेट तो नहीं सोए, 10 बजे सोए हैं, 10 बजे हाँ तो वो नींद ले रहे हैं, अच्छी बात, क्योंकि इनकी स्कूल टाइमिंग बड़ी वो रही है ना, 7 बजे उठते तो बेचारे और 8 बजे स्कूल चले जाना,
फिर रात को 9-10 बजे समटाइम 10:30-11 बजे भी सोते थे, है ना। अरे जब लेंस लगाए हो ना यार तो ऑयलिंग करें ना तो पता नहीं ऑटोमेटिकली आंखों में ऑयल चला जाता है ना। हाँ। तो लेंस में भी जाता है, जब मैं लेंस उतारती हूँ मेरे लेंस वो हुए होते हैं जैसे चिकनाई वाले ना। अच्छा। हाँ और ये उसके लिए नहीं सही है, इसी वजह से मैंने अभी नीचे लगाया। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं तो आपको मैंने एक दो बार ऐसा किया है, यू डोंट फील गुड है। आप जरा जोर जोर से मारते हैं, बहुत लाइटली आपको पंच कर लाइक दिस। ये सही है, डैंड्रफ नहीं दिखी आपको मेरे बालों में? ये बालों पे डैंड्रफ नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपके बाल। What about this? Neck massage. ये वो वाली जो बाजी थी ना, हाँ वो बड़ा अच्छा करती थी। हाँ। पता नहीं मुझे ये पट्ठों की दर्द रहती है या आप सबको भी रहती है? नहीं, जब आपने मुझे किया था मुझे भी हल्की हल्की पेन हो रही थी। अच्छा। आप तो वो एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से नहीं कुछ हवा आ जाता पट्टों का? शायद हो। और हम जो जूते काम करते हैं उसकी वजह से भी आता है शायद, वो जिस तरह आप लैपटॉप हम यूज़ करते हैं मोबाइल यूज़ करते हैं वो झुकने का काम। आप मेरा मसाज कम, आप मुझे सर को मेरा ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं। आपको वो मेरे हाथ में मुश्किल लगता है, ये इजी लग रहा है क्या ये दबाना? मुश्किल तो नहीं। आपने कभी किसी वो मसाजर से करवाया जो मालशिया टाइप होते हैं? नहीं नहीं कभी नहीं करवाया। अब्बू ने आपका मिर्जा वो अब्बू को जो दबाने एक दफा अब्बू ने कहा तो था आपको? नहीं नहीं, मैंने आपको पता मुझे ये चीज पसंद है। अब्दुल रहमान से करवाया था आपने, उससे करवाया है ना सर की मालिश? हाँ, मुझे याद है उसने आप तो मल्टीपल टाइम करवाया। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा जी ये पसंद नहीं है। नहीं सर की मालिश तो आपको पसंद है, आपको सुकून मिलता है ये वो आइलैंड। हाँ, मैं ये दबवाना कह रहा हूँ। कुछ लोगों को पसंद है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि यार शायद मैं कमज़ोर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये आई फील काइंड ऑफ चैलेंज टू माय स्ट्रेंथ कि मैं इतना वीक हो गया हूँ कि कोई बंदा मेरे मसल दबा के तो मुझे कोई कंफर्ट देने की। लेकिन यार ये जो मसाज करते हैं मसाजर जो होते हैं उसके अंदर ये शामिल होता है, ये वो साथ ये सारा करते हैं ना, ऐसे ही है ना। इवन कि हमारी जो गर्ल्स से भी हम लोग करवाते हैं ना वो भी करती हैं, बॉडी मसाज भी होता है उसके अंदर। फुल नहीं करवाना तो आपका ये जो टॉप पार्ट होता है ना ये वो लाजमी करती है। मैं क्लिनजिंग करवाऊँ तो उसमें भी वो करती है ये। हाँ होता है। पंखे की साउंड अंदर आएगी है ना, उधर से नॉइस रिडक्शन कर लीजिएगा। अच्छा मैं लगाती तो हूँ अभी 20 मिनट्स हो गए बस फाइनल मेरा वो ऐसे से करके तो बस करते। कैसे वो जो फाइनल ये हल्का? हाँ हल्का। And thank you so much, yeah, so nice of you.
यू आर माई बेस्ट हस्बैंड। अभी मैंने दो शैम्पू करने हैं ना, उसमें निकलना है ये आई, मेरा एक दफ़ा नहीं निकलता। जाइना का भी सही था, जाइना के पहले पतले थे ना बाल, अब माशाल्लाह उसके घने हो गए हैं। जी वो जो भाई नहीं है साकिब भाई, उनकी बेटी के बाल पतले हैं ना शाल के, शाली के हाँ। अच्छा। तो मैंने जो जाइना के शैम्पू यूज़ किए, पता जाइना के भी पहले कर्लिंग में थे बाल, अगर आपको याद हो छोटे थे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर नहीं, जाइना के कर्लिंग में थे। अच्छा। आपको शायद याद है कि नहीं याद है, वो एक ग्लास में ड्रिंक ले रही है, कोल्ड ड्रिंक पी रही है। जो फर्स्ट इसकी बर्थडे की पिक्चर थी, फर्स्ट वीक, उस पर भी इसके कर्लिंग में बाल हैं। हाँ। और उसके बाद भी इसके रहे हैं। मैं इसका शुरू में ना बेबी शैम्पू यूज़ करती थी। हाँ। क्योंकि मदर्स को था कि आंखों में बच्चे के नाच चला जाए। फिर उसके बाद मैंने खुद हेल्ड शोल्डर यूज़ करती थी, फिर मैंने इसके ऊपर यही अप्लाई किया तो उसके बाल सीधे हो गए और घने भी हो गए, पतले थे उसके बाल। जो शैम्पू है हाँ वो सूट करता है। नहीं नहीं, मेरा मानना ये है कि जो शैम्पू है, शैम्पू से बालों की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, बालों के जो जेनेटिक फॉर्मेशन है बालों में वैसे ही बिहेव करें। फॉर एग्जांपल, अगर आज अभी आपके कर्ली हैं, अगर आपके जीन्स में ये है कि आफ्टर 40 इयर्स आपके बाल स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे ही होगा। शैम्पू तो एक्चुअली एक्सटर्नल वॉशिंग मटीरियल है ना, कि आपको एक्सटर्नल यूजेज है ना, तो इंटरनल जो बालों के अंदर उनके सेल्स के अंदर जो चीज़ हो रही है, शैम्पू मैं नहीं समझता इतना ज़्यादा उसको इफेक्ट करता होगा उस प्रोग्रामिंग को जो बाल। लेकिन यार मैं उसको जब वो एक हेल्डर शोल्डर रह रही क्या, वो लेफ्ट वाले हम लोग यूज कर रहे हैं, दो हमारे घर यूज हो रहे हैं। हाँ, तो जब मैं आपको भी गौर करें, मैं पता नहीं आपका फ़र्क पड़ता है कि नहीं, मेरा खुद भी पड़ता है। और जाइना का माशाल्लाह, मैं उसको जब उसके ऊपर यूज़ करती हूँ ना वो वाला हेड एंड शोल्डर, उसके बाल बिल्कुल और ज़्यादा, वैसे भी उसके सिल्की हैं, और ज़्यादा हो जाते हैं। परसों उसको मैंने, उसने कुरान पाक पढ़ने जाना था, तो मैंने उसको ना नाई कराई, और मैंने कंघी ना की, मैं नीचे से हेयर को ना नाई कराई।